नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का पहले चैप्टर अर्थात दीर्घन ज्योति अध्याय के अंतर्गत जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सिलेक्टेड प्रश्न की ही बात करेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न देख रहे होंगे, अथातो दीर्घन ज्योति अध्याय व्याख्या श्याम, ये जो पॉइंट है अथातो दीर्घन ज्योति अध्याय व्याख्या श्याम में कितने पाद हैं। तो ये सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि इस चैप्टर में कितने पाद हैं, इस वाक्य में कितने पाद हैं। तो यहाँ टोटल पाद की संख्या 8 होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, 8 होते हैं। उस पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, दीर्घन ज्योति अध्याय का समावेश कौन से चतुष्क में है। तो हम लोगों ने देखा था 7 चतुष्क की बात की गई है, तो यहाँ पर पहला चतुष्क क्या है, क्योंकि पहला चैप्टर है तो पहला चतुष्क होगा, इसका मतलब BSN क्रिया। तो क्या कैसे हम लोग याद करते हैं, BSNKRYA। तो पहला है भेषज चतुष्क, इसका मतलब कि आपका भेषज चतुष्क सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, गुड़ और कर्म द्रव्य में किस कारण से रहते हैं। तो जो गुड़ और कर्म जो होते हैं वो किसी भी द्रव्य में किस कारण से रहते हैं, तो हम लोग जानते हैं समवाय संबंध से रहते हैं। तो सही जवाब है ए, समवाय संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घन ज्योति अध्याय में कितने संभाषा परिषदों का उल्लेख है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पहले चैप्टर में सिर्फ एक संभाषा परिषद हुआ है, सेमिनार हुआ है, तो सही जवाब है ए, एक। उसके बाद देखेंगे कि सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय में मूलनीय द्रव्य की संख्या बताई गई है। तो सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय अर्थात इसी चैप्टर में कितने मूलनीय द्रव्य की बात की गई है। तो मूलनीय द्रव्य को याद करने के लिए एक होता है मूलनीय, एक होता है फलनीय। तो हम लोग मूलनीय को एम से काउंट करते हैं, फलनीय को एम एफ से, नहीं तो मूलनीय द्रव्य 16 होते हैं और फलनीय द्रव्य 19 होते हैं, तो एम एफ 16, 19 इस तरह से याद करते हैं। तो मूलनीय द्रव्य की संख्या कितनी होगी, 16 हो गई, इसका मतलब सही जवाब है 16। उसके बाद देखेंगे त्रिसूत्र का उल्लेख है, त्रिसूत्र आयुर्वेद का उल्लेख है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है, तो ये वर्णन कहाँ आया है, ये वर्णन आपका आया है पहले चैप्टर में, सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में, सही जवाब डी है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, दुग्ध सेवन से शुक्र वृद्धि का उदाहरण है। मान लीजिए दुग्ध सेवन से शुक्र की वृद्धि हो रही है, तो ये किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर द्रव्य सामान्य है, गुड़ सामान्य है, कर्म सामान्य है, सभी। तो यहाँ पर क्या है, गुड़ सामान्य है, क्योंकि जानते हैं जो शुक्र के जो गुड़ होते हैं वो दुग्ध के गुड़ों के समान होते हैं, इसलिए गुड़ सामान्य का एग्जाम्पल है। इंद्र ने आयुर्वेद किससे लिया है, यहाँ पर आयुर्वेद अवतरण की बात की गई है। तो हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद का जो अवतरण होता है वो किस तरह से है, ब्रह्मा, बी फार ब्रह्मा, डी फार दक्ष प्रजापति। तो बी ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति ने लिया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने लिया, अश्विनी कुमारों से इंद्र ने लिया, इंद्र से फिर कौन सा है, भरद्वाज ऋषि आए, भरद्वाज से आत्रेय जी आए, आत्रेय उन्होंने 6 शिष्यों को दिया। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि इंद्र ने आयुर्वेद किससे लिया, तो इंद्र यहाँ है, उन्होंने किससे सीखा, अश्विनी कुमारों से सीखा, इसका मतलब सही जवाब क्या है, बी। तो बी, अश्विनी कुमारों से इंद्र ने ज्ञान लिया था। उसको देखेंगे अश्विनी कुमार ने आयुर्वेद किससे लिया, तो अश्विनी कुमार ने आयुर्वेद किससे लिया, तो अश्विनी कुमार ने किससे सीखा, दक्ष प्रजापति अर्थात जो सेकंड नंबर के उनसे लिया। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, आरोग्य प्राप्ति, आरोग्य जो है प्राप्ति का साधन है, तो आरोग्य जो है किससे प्राप्त होता है, ये बात की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि काम मोक्ष अर्थ सभी, तो सही जवाब है सभी। तो हम लोग देखते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है इसके द्वारा आरोग्य की प्राप्ति होती है, तो ये सही जवाब है डी, सभी। नेक्स्ट देख रहे होंगे, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सही जवाब क्या होगा, हेतु लिंग औसत, हेतु लिंग औसत को हम लोग त्रिसूत्र या त्रिस्कंद बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे आत्रेय के शिष्य हैं, आत्रेय के शिष्य हैं अपवाद, एक्सेप्शन बता रहा है। तो हम लोग जानते हैं आत्रेय के कितने शिष्य थे, 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकड़, पराशर, हारिद, छारपारी। तो यह देखेंगे यहाँ पर हारिद भी है, कांकायन है, अग्निवेश, पराशर है, इसका मतलब कांकायन यहाँ पर अपवाद में है। तो हारिद, अग्निवेश, पराशर तो है, कांकायन एक्सेप्शन में आ जाते हैं। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, आयुर्वेद में आयु से संबंध में है, ठीक है ना। तो आयुर्वेद में आयु के संबंध में क्या है, हितायु है, अहितायु है, दुखायु है, सभी है। तो यहाँ पर आयु के 4 प्रकार बोला गया है, हितायु, सुखायु, दुखायु और सुखायु, इस तरह से बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, पित्त
और कफ में समान गुण है। पित्त और कफ में क्या गुण होता है? समान, स्निग्ध गुण समान होता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का सन्निकर्ष कहलाता है। जब शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा मिलती हैं तो क्या कहलाता है? तब ये आयु की संज्ञा में आते हैं, तब इसे आयु कहते हैं। सत्व शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा सन्निकर्ष, दैट इज कॉल्ड आयु। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, सूत्र स्थान का पर्यायवाची नाम है, पर्यायी नाम है। इसका मतलब अरिष्ट स्थान है, विकल्प स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है, श्लोक स्थान है। सूत्र स्थान को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? श्लोक स्थान कहते हैं। ऑप्शन डी सही है, श्लोक स्थान। उसको देखेंगे, निम्न से कौन सा आयु का पर्याय है? तो इसका आयु का पर्याय आत्मा, मन, धारी, इनमें से नहीं। तो ये धारी जो होता है मन का आयु का पर्याय होता है, सही ऑप्शन सी है। निम्न में से कौन सी कर्म सामान्य की परिभाषा है? तो कर्म सामान्य की परिभाषा कौन से है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा कि तुल्यार्थ ही सामान्यम, सर्वदा समान, सर्वदा सर्व सामान्यम वृद्धि कारणम। तो ये द्रव्य सामान्य की बात है, तो ये तुल्यार्थ ही सामान्यम, ये आपका कर्म सामान्य की परिभाषा है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, ह्रास हेतु डट डट, इसका मतलब ह्रास का कारण है। ह्रास मतलब कमी, कमी कारण क्या होता है? विशेष होता है। ह्रास किसकी वजह से होता है? विशेष से होता है। उसको देखेंगे, चरक सूत्र एक के अनुसार पदार्थों की संख्या होती है। चरक सूत्र एक में पदार्थों की संख्या कितनी बोली गई है? 6 बोली गई है। यहाँ पर पदार्थ न कहकर कारण बोला गया। क्या बोला गया? कारण, ये कारण बोला गया। कारण होते हैं 6। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बी, 6 कारण होते हैं या 6 पदार्थ होते हैं। उसको देखेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्षम आरोग्यम में वर्णित है, ये कहाँ पर वर्णित है? धर्म अर्थ काम मोक्षम आरोग्यम, ये चरक सूत्र एक का है, चरक सूत्र एक का है। तो एक वाला कौन सा चतुष्क में होगा? बी, ऐसन क्रिया। बी मतलब भेषज चतुष्क में, सही जवाब भेषज चतुष्क होगा। उसको देखेंगे, अगला प्रश्न है, शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये त्रिसूत्र आयुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, आचार्य चरक ने पदार्थ का क्रम दिया है, तो यहाँ पर चरक के हिसाब से पदार्थ का जो क्रम क्या होना चाहिए? तो हम लोग एक क्रम तो जानते हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, तो ये तो वैशेषिक दर्शन का है। तो ये क्या है? वैशेषिक दर्शन का है। बट चरक का क्या क्रम है? सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ऑप्शन ए सही है। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये सही क्रम है चरक के अकॉर्डिंग। उसको देखेंगे कि सत्व आत्मा शरीर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सत्व आत्मा शरीर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। सत्व आत्मा शरीर क्या कहलाता है? त्रिदंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिदंड कहलाता है। उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, कि पुरुष की उत्पत्ति होती है सत्व से, आत्मा से, शरीर से, सभी से होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि डैश 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 बुद्धि बुद्धि प्रयत्न अंता पराधेय, तो ये किसके रेफरेंस में बोला गया है? तो ये गुण के रेफरेंस में बोला गया है। जब हम लोग गुरुवादी गुण की बात करते हैं तो यहाँ बोला गया है बुद्धि प्रयत्न अंता पराधेय, ठीक है ना। उसको देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगला प्रश्न है अपृथक भाव, डैश 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 अपृथक भाव, अर्थात जो अलगाव की स्थिति में न हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समवाय बोलेंगे। समवाय जो होता है अपृथक भाव वाला होता है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद, डैश 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 है, इसको हम लोग पूरा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यत्रा सीता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद द्रव्यम, सही जवाब क्या हो जाएगा? द्रव्यम हो जाएगा। अगला देख रहे होंगे, यहाँ पर प्रश्न है तंत्र का प्रयोजन है, तो जो ये आप लोग आयुर्वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है? दोष साथ में, कर्म साथ में, हेतु साथ में, इनमें से कोई नहीं है। एक्चुअली कोई नहीं है, क्यों? यहाँ पर धातु साथ में होना चाहिए, धातु धातु साथ में होना चाहिए, सही जवाब धातु साथ में इसमें नहीं है, इसलिए कोई नहीं है। निम्न में से पृथकत्व का कारण है, तो अलगाव का कारण क्या है? विशेष होता है, ठीक है ना। निम्न में से देखेंगे चरक संहिता का तंत्र करता है, चरक संहिता जो पढ़ रहे हैं उसका तंत्र करता कौन है? तो तंत्र करता अग्निवेश जी हैं, ठीक है ना। निम्न में से त्रिदंड है, त्रिदंड क्या है? सत्व आत्मा शरीर है, इसका मतलब सही जवाब सी है, सत्व आत्मा शरीर। चरक संहिता का उपदेष्टा कौन है? तो उपदेष्टा कौन है चरक संहिता के? ये है आचार्य पुनर्वसु, सही ऑप्शन डी है। निम्न में से किसका द्रव्य संग्रह में समावेश नहीं है? तो द्रव्य संग्रह का मतलब नौ कारण द्रव्य, नौ कारण
द्रव्य की बात कर रहा है, इसमें नहीं है तो आत्मा तो है, दिशा है, पृथ्वी है, गुण नहीं है, ठीक है ना। गुण का समावेश नौ कारण द्रव्य में या द्रव्य संग्रह में नहीं किया गया है। अपृथक भाव है, अपृथक भाव क्या है, तो अपृथक भाव क्या है, सामान्य है, विशेष है, द्रव्य है, समवाय है। सही जवाब क्या है, समवाय, ठीक है ना। उसका दीर्घ ज्योति अध्याय उसको देखेंगे। समवायु निश्चेष्ट कारणम क्या है, ये गुण है। समवायु निश्चेष्ट कारणम क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। और क्या कहलाता है, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संयोग विभाग का कारण है, संयोग विभाग का कारण है कर्म, ठीक है ना। सही जवाब क्या होगा, कर्म। संयोग विभाग का कारण क्या है, कर्म होता है। नेक्स्ट देख रहे होंगे, चरक संहिता का प्रयोजन है, सुखायु धातु साम्य व्याधि परिमोच बी और सी। इसका मतलब कि व्याधि धातु साम्य और व्याधि परिमोच दोनों सही जवाब है। देखेंगे शारीरिक और मानसिक व्याधि होने का कारण क्या है, तो शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ क्यों होती है, प्रज्ञापराध से, असाध्य इंद्रियात संयोग से, परिणाम से, सभी से होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। व्याधि का अधिष्ठान है, तो हम लोगों ने देखा था कि व्याधि का अधिष्ठान क्या है, शरीर है कि मन है, शरीर और मन दोनों है कि सिर्फ मन है, इसका मतलब शरीर और मन दोनों व्याधि का अधिष्ठान है। शारीरिक दोष के अपवाद है, एक मतलब शारीरिक दोष नहीं है तो वात तो है ही, पित्त तो है ही, रक्त नहीं है, तो इसका मतलब अपवाद क्या है, रक्त नहीं है, कफ तो है ही, वात पित्त कफ है शारीरिक दोष लेकिन रक्त नहीं है। मानस दोष है, मानस दोष हम लोग देखेंगे तो क्या है, रज और तम जो है मानस दोष होते हैं। सही जवाब सी है। उसको देखेंगे कि शरीर वात दोष के गुण कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वात दोष के गुण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि सही जवाब क्या है, गुरु रुच्छ शीत लघु सूक्ष्म, रुच्छ शीत लघु सूक्ष्म चल विषद कर, ये वात दोष वात के गुण होते हैं, तो ये सही जवाब डी है। उसको देखेंगे द्रव्य के भेद है, द्रव्य के भेद हम लोगों ने देखा था प्रभाव भेद से भी इसको कहते हैं, तो द्रव्य के भेद कितने होते हैं, स्वस्थ वृत्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोष प्रशमनम, धातु प्रदूषण, सभी, तो इसका मतलब ये तीनों जवाब सही है। मतलब कि धातु कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो दोषों को शमन करते हैं, कुछ ऐसे धातुओं को दूषित करते हैं, कुछ शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो तीनों जवाब सही है। उसको देखेंगे ज्ञान के देवता कितने प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्ञान के देवता कितने होते हैं, आठ होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ रटना है लेकिन ये रेफरेंस में मिल जाएगा। उसको देखेंगे महास्नेह के भेद हैं, तो महास्नेह के कितने प्रकार के होते हैं, महास्नेह चार प्रकार के होते हैं, घृत तैल वसा मज्जा। उसको देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, शोधन वृक्ष की संख्या बताई गई है, तो शोधन वृक्ष को क्या कहते हैं, षड शोधन वृक्ष, तो तीन के मूल प्रयोग होते हैं, तीन के छाल प्रयोग होते हैं, टोटल संख्या छः होती है। सही जवाब ये है।